तो आज की जो वीडियो है ये है हर एक प्रकार की 315 जो कि इंडिया में आई हुई है, जो पहले हर एक प्रकार की इसमें पड़ी हुई है, लाइक फोर फिगर हो गई, पुरानी हो गई, नई हो गई, नहीं सॉरी नई नहीं रखी, इसमें सारी पुरानी रखी हैं। तो हर एक 315 बताऊंगा, इसकी हल्की हल्की सी मॉडिफिकेशंस बताऊंगा जो कि इंडिया में लीगल है। तो जैसे कुछ लोगों को पसंद होता है ये फोल्डिंग बट लगाना, तो ये थोड़ा टाइट होता है, पर ऐसे ना लोग फिर कैरी कर लेते हैं, पर क्योंकि 315 बिना बट के चलाना बहुत ज़्यादा अनसेफ है, इसलिए बैक बट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने सिर्फ हॉकी बट लगाया हुआ है तो उसको ये चीज़ बिल्कुल बताओ, नहीं तो मेरी वीडियो शेयर कर दो। हॉकी बट जो होता है 315 या किसी भी राइफल में, जो कि एज अ स्नाइपर राइफल हम कंसीडर करते हैं, उसमें हॉकी बट बहुत डेंजरस होता है, आपको चोट लग सकती है, आपकी जान तक जा सकती है। कैसे? क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो इतना खतरनाक होता है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो ऐसे होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको कंट्रोल कर सको। तो ये नॉर्मल मॉडिफिकेशन बता दी। इसके अलावा मैं आपने शायद ये चीज़ पहले कहीं देखी हो, मैंने ही इसके रिलेटेड एक वीडियो डाली होगी, ये सिंगल बट 315 है। नॉर्मल 315 को कंपैरिजन करें तो ये दो बट आते हैं, ये बैक बट अलग है और आगे का ये चीज़ अलग है। ये फोर फिगर है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और ये सिंगल बट है। तो ये आप हिसाब लगा लो, ये बहुत पुरानी है, ये वर्ल्ड वॉर टू से भी पुरानी होंगी। और जो ये वाली है, ये फोर फिगर जो है, इसको फोर फिगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे सिर्फ चार नंबर ही लगे होते हैं, इस पे कोई ईयर नहीं लिखा होता, इसमें सिर्फ राइफल्स का नंबर लगा होता है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते ये कब की बनी है कब की नहीं बनी। इस पे एक चीज़ आपको अलग सी दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप गोल्डन पिन देख सकते हो। इस गोल्डन पिन का मतलब है कि इस राइफल ने कोई जंग जीती हुई है। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि ये जो राइफल है इसने कोई जंग में पार्टिसिपेट किया है और उस साइड से ये जंग जीती है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, अगर कोई भी हथियार जो जंग जीतता था तो उसके अंदर एक सोने, असली सोना, ये असली सोने की पिन है ये, तो असली सोने के साथ उसमें पिन की जाती थी। बहुत रेयर राइफल और तलवारें हैं ऐसी जिसमें ये सोने की पिन होती हैं। मैंने कुछ वेपन्स ऐसे भी खरीदे हैं जिस पे दो दो पिनें भी लगी हुई हैं। तो ये बहुत पुरानी वेपन है, इसमें कोई ईयर नहीं आपको दिखेगा ऐसे वेपनों में। जैसे अभी ये भी देखो, ये भी सिंगल बट है, और सिंगल बट में, सिर्फ सिंगल बट में अगर आपको ये गोल्डन पिन मिल जाए, मतलब ये सोने पे सुहागा है। ये बहुत ही बढ़िया किस्म की राइफलें होती हैं, आप देखो इनकी लुक ही अलग है, और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं। जैसे अभी चलो मैं सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं खाली कर रहा हूँ, बस गोलियाँ नहीं है इसमें। तो ये इतनी सॉफ्ट है, अगर आप नई को लो और इसका कंपैरिजन करो तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे अभी ये है ना, ये ब्रांड न्यू है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू राइफल है। तो इस पे जोर लगता है यार, इस पे बहुत जोर लगता है। और अगर मैं इसको लूं, इतना इजी है। तो ये सारी जो राइफलें हैं, इसका सॉफ्ट और अच्छा होने का रीजन एक ये भी है क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुई, ये मेड इन इंडिया जरूर है। पर देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जब ये बनी है तब मैं था, किसी को नहीं पता, र्यूमर्स ही हैं। पर जो र्यूमर्स हैं इसके, वो ये हैं कि ये सारी राइफलें जो हैं, ये जिन पे ईयर नहीं है या जो सिंगल बट है ना, ये सारी बाहर की बनी हुई है, ये इंडिया की बनी हुई नहीं है। तो ऐसा ही है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये सारी पुरानी राइफलें। अब ये वाली जो है इस पे ईयर है। अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ फोर फिगर में और सिंपल में, कोई ऐसी राइफल दिखाता हूँ जिसपे ना आपको क्लियरली अच्छे से देख पाओ। हाँ, अब जैसे अब आप ये राइफल देखो,
अब ये जो राइफल है इस पे है 1129, तो इस पे आप कहीं देख लो इस पे आपको ईयर नहीं दिखेगा, इस पे सिर्फ आपको नंबर दिखेगा। तो इसका मतलब है ये सिंगल बट है और ये फोर फिगर कहते हैं इसे, नंबर है। तो अभी आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, हो सकता है ये 100 साल पुरानी हो सकता है ये 200 साल पुरानी हो, मतलब इसका कुछ नहीं पता ये कब की बनी है। पर अगर हम जब ये राइफल लेते हैं तो ये मॉडल भी पुराना है, पर इस ये है AB05 15495, तो ये है AB05, तो ये 2005 की बनी हुई है। तो जैसे और भी एक राइफल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे अब नई वाली ने तो उन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया सारा। अब जैसे ये वाली है, ये वाली राइफल देखो, ये है 78 लिखा हुआ है ना अलग से, तो मतलब ये 78 मॉडल है, 78 मॉडल है और 3758। तो जिन राइफल्स पे मॉडल बना होता है वो राइफलें अलग होती हैं। उसके अलावा आपको एक ये मॉडिफाइड राइफल है, ये लीगली, मतलब ये सारे मॉडिफिकेशन जो है ये लीगल हुए हैं, और ये आप बट देख सकते हो, ये फिनिश देख सकते हो, तो ऐसे हर एक चीज हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पुरानी ही रखनी है। तो ये सारी जो राइफलें हैं ये आप मॉडिफाई भी करवा सकते हो, पर जो फोर फिगर होती हैं वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको मॉडिफाई कराओ। उसको पुरानी रहने दोगे तो उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि जो फोर फिगर है उसकी जो वैल्यू है, या सिंगल बट है, इन दोनों की जो वैल्यू है, ये वैल्यू पुरानी की गंदी से गंदी। आप जैसे देखो, अगर आप देखोगे गौर से तो इसका पेंट उतरा हुआ है, यहाँ से देखो इसका पेंट उतरा हुआ है, तो ये पेंट उतरे की वैल्यू ब्रांड न्यू से ज़्यादा है, जो ब्रांड न्यू 3006 आती है उससे भी ज़्यादा है। तो इसको जैसी ओरिजिनल है वैसी की वैसे ही रहने देना चाहिए। तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपना प्यार दे दो, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वन।